अभी हो गए हैं सुबह के 6 और आज हमने ट्रिप प्लान किया है चंदेरी और कल हम सोच रहे हैं कि ओरछा स्टे करेंगे। तो अभी हम सुबह 6 बजे भोपाल से चंदेरी जा रहे हैं जो कि लगभग है 210 किलोमीटर और जीपीएस हमें बता रहा है ये हमें 5 घंटा 6 मिनट लगेगा। तो अभी बच रहे हैं सुबह के 6 और 11:10 आई थिंक होगा पहुंचने में। अब देखते हैं कि रास्ते में कितना समय लगता है। एक्चुअल मेरे साथ हैं, देख लो बाकी सभी हैं, पीछे बाकी सब बैठे। अभी हम चलते हैं, अपनी राइड स्टार्ट करते हैं। भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर की दूर आने के बाद हम लोग ने थोड़ा सा हॉल्ट लिया है तो यहाँ पे हम रुके हैं। ये एक्चुअल में रायसेन के पास है, समरदा का फॉरेस्ट रेंज है। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा का पूरा जंगली है। हम यहाँ पे रुके हैं, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। भोपाल से लगभग 225 किलोमीटर का डिस्टेंस 4.5 घंटे में तय करके हम पहुंच चुके हैं चंदेरी। चंदेरी मध्य प्रदेश राज्य के अशोकनगर जिले का एक ऐतिहासिक नगर है। इस ऐतिहासिक नगर का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। 11वीं शताब्दी में ये नगर एक महत्वपूर्ण सैनिक केंद्र था और प्रमुख व्यापारिक मार्ग भी यहीं से गुजरते थे। यहाँ पर खंगार, राजपूत और मालवा के सुल्तानों द्वारा बनाई गई अनेकों इमारतें देखी जा सकती हैं। यहाँ बुंदेलखंडी शैली में बनी हस्तनिर्मित साड़ियाँ चंदेरी की पहचान है। चंदेरी का इतिहास काफी प्राचीन है। यहाँ दर्शनीय स्थल में मुख्य आकर्षण के तौर पर चंदेरी का किला, कौशक महल, बादल महल, लक्ष्मण मंदिर, परमेश्वर पाल, ईसागढ़ के जैन मंदिर, बूढ़ी चंदेरी जो कि आज भी खोज का विषय है, सहजादी का रोजा, जामा मस्जिद, देवगढ़ का किला आदि प्रमुख स्थान है जो कि हमें घूमना है। चंदेरी सीरीज की डे वन का ये ब्लॉग भोपाल से शुरू करके चंदेरी तक हमने बनाए हैं। अभी हम आ गए हैं MPT तानाबाना चंदेरी। यहाँ पे हम रुक के आज के डे वन में ही कुछ दर्शनीय स्थल को भ्रमण करेंगे और इनके बारे में जानेंगे।